हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिमांशी वर्ल्ड। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस सी रेसिपी लेके आई। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ दाल से बनने वाली एक बहुत ही टेस्टी नाश्ते की रेसिपी। आप इसको स्नैक्स के तौर पे भी इंजॉय कर सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी हैं, बहुत ही क्रंची हैं, बहुत ही चटपटे हैं और बहुत ही झटपट से बन के तैयार हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक का बटन ज़रूर से ज़रूर क्लिक कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, ताकि वो भी बना के इंजॉय कर सकें। कमेंट करके मुझे बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ये लाल बटन दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन के बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको सारे लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट मिलती रहे और ये बिल्कुल फ्री है। तो चलिए शुरू करते हैं रेसिपी। लेट्स स्टार्ट इट। तो फ्रेंड्स, दाल की ये बहुत ही टेस्टी सा स्नैक बनाने के लिए पहले हमको दाल को प्रिपेयर करना होगा। तो इसके लिए मैं ले रही हूँ यहाँ पे चना दाल, और मैं टाटा संपन्न की हाई प्रोटीन चना दाल का यूज़ कर रही हूँ। ये अनपॉलिश दाल है और इसके अंदर हाई प्रोटीन होता है, जो कि वेजिटेरियन लोगों के लिए बहुत अच्छा होता है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, मैंने 1 कप के करीब चना दाल को 2 से 3 बार अच्छे से धो के इसको कम से कम 8 घंटे के लिए भिगो के रख लिया था। और इसको अभी हम मिक्सी जार में डालेंगे और इसके अंदर हमको पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है मिक्सी जार में। तो ये देखिए, मैंने मिक्सी जार में सारी दाल डाल दी है और इसके बाद मैं इसके अंदर डाल रही हूँ 2 हरी मिर्च इस तरीके से बड़े बड़े टुकड़ों में तोड़ के। इसके बाद मैं अदरक डाल रही हूँ 1 से 1.5 इंच के करीब। और यहाँ पर मैं ब्रेड ले रही हूँ, ये सिर्फ बाइंडिंग के लिए ले रही हूँ। 2 पीस मैंने ब्रेड डाला है। थोड़ा सा हम हरा धनिया डालेंगे और इसको हम पीस लेंगे बिना पानी डाले ऐसी तरीके से। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने दाल को पीस लिया है और इसका देखिए दरदरा सा टेक्सचर हो जाना चाहिए। बहुत ज़्यादा बारीक भी नहीं पीसना है, इस तरीके से सूखा सूखा ये हमने पीस लिया है। और इसको अभी हम एक बाउल में निकाल लेते हैं। तो इससे जो मैं आज आपको नाश्ता बनाना बता रही हूँ, ये मिडिल ईस्टर्न में फलाफल के नाम से जाना जाता है। तो ये थोड़ा सा मैं इसको इंडियन टच दे रही हूँ। इसके अंदर मैं चिली फ्लेक्स डाल रही हूँ 1/2 छोटा चम्मच। थोड़ा सा ये स्पाइसी ज़्यादा है, आप चाहें तो बच्चों के हिसाब से कम भी कर सकते हैं चिलीज़ को। इसके अंदर मैंने नमक डाल दिया है स्वाद अनुसार। और अब इसके अंदर मैं थोड़ा सा बेकिंग पाउडर डाल रही हूँ, सिर्फ 2 चुटकी के करीब, ताकि जब हम इसको फ्राई करें तो ये अच्छे से फूल जाए। और इसके अंदर 2 चम्मच के करीब मैं बेसन डाल रही हूँ बाइंडिंग के लिए। इसको हम मिक्स कर लेंगे और ये बहुत ही टेस्टी दाल के हमारे कबाब बनने के लिए तैयार है। तो ये फ्रेंड्स, बहुत ही ईजी रेसिपी है, ज़रूर से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो ये मिक्स कर लिया है, आइए इनको फ्राई कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, मीडियम आंच पे मैंने ऑयल को गरम कर लिया है और हम इस तरीके से देखिए हाथ से जैसे मैं शेप दे रही हूँ, ये हम इस तरीके से ये जो फलाफल हैं इनको शेप दे देंगे और ऐसे फ्राई कर लेंगे। शेप आप दूसरी भी दे सकते हैं फ्रेंड्स। और इंडिया में इनको आप कोफ्ता भी बोल सकते हैं, दाल का पकौड़ा भी बोल सकते हैं। ओरिजिनली इस तरीके से अगर बनाया जाए तो इनको फलाफल बोलते हैं। ये मिडल ईस्टर्न रेसिपी है। तो ये हम एक एक करके इसमें डाल देंगे और मीडियम आंच पे हम इनको फ्राई कर लेंगे। तो ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं। आप इनको खाने के लिए सैंडविच में स्टिकी की तरह भी स्टफ़ कर सकते हैं, चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं, या फिर जो रोटी रैप्स आते हैं उनके अंदर भी स्टफ़ करके आप इनको इंजॉय कर सकते हैं। थोड़ा सा सैलेड, थोड़ी सी चटनी वगैरह डाल के रोटी रैप में इंजॉय कर सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से गोल्डन कलर आ गया है इनका और ये बहुत ही टेस्टी होते हैं और प्रोटीन से भरपूर होते हैं। तो छोटे बच्चे हैं जो दाल बिल्कुल नहीं खाते हैं, या बड़े लोग हैं जो दाल नहीं खाना पसंद करते, उनको आप इस तरीके से ये दाल के कोफ्ते बना के खिलाइए। बहुत ही टेस्टी लगेंगे फ्रेंड्स और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी हैं। आप इनको बेक भी कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो आप ज़रूर से ज़रूर ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा। ट्राई करें तो मुझे कमेंट करके बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और इसके अलावा और भी टेस्टी डिलीशियस रेसिपीज़ देखनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और फर्स्ट कमेंट में मैंने लिंक्स दी हैं, ज़रूर से ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर से ज़रूर क्लिक कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी बना के इंजॉय कर सकें। कमेंट करके मुझे बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मुझे बहुत अच्छा लगता है आपकी कमेंट्स का रिप्लाई करना और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं ऐसी किसी बढ़िया वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। और फ्रेंड्स, ये कुछ दूसरे वीडियोस हैं हमारे चैनल के जो आप क्लिक करके देख सकते हैं। थैंक यू।